भारत और इंग्लैंड के बीच दो टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। हैदराबाद में पहला टेस्ट इंग्लैंड ने 28 रन से जीता था। इसके बाद टीम इंडिया ने पलटवार करते हुए विशाखापत्तनम में दूसरा टेस्ट 106 रनों से जीत लिया। अब 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। दो टेस्ट मैचों की समाप्ति के बाद भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। जायसवाल ने 2 मैचों की 4 पारियों में करीब 80 की औसत से 321 रन बना लिए हैं। दूसरे टेस्ट में उन्होंने 209 रनों का दोहरा शतक लगाया था। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के ओली पॉप विराजमान हैं। हैदराबाद टेस्ट में 196 रन की पारी खेलने वाले ओली पॉप 293 रन बना चुके हैं। दो टेस्ट की 4 इनिंग में 250 की मदद से 200 रन बनाकर जैक क्रॉले ने तीसरा स्थान हासिल किया। 4 पारियों में 161 रन बनाने वाले शुभमन गिल चौथे नंबर पर रहे। दूसरे मैच में उनके बल्ले से 104 रनों का शतक निकला था। 2 मैचों की 4 पारियों में 134 रनों के साथ बेन स्टोक्स नंबर 5 पर हैं। 133 रनों के साथ अक्षर पटेल ने छठवां और 131 रनों के साथ बेन डकैत ने सातवां पायदान अपने नाम किया। इसके बाद 114 रन बनाने वाले टॉम हार्टली आठवें, 108 रन बनाने वाले केएल राहुल नौवें और 104 रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर दसवें नंबर पर रहे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2 मैचों में 15 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में नंबर 1 हैं। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बुमराह ने 45 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। इंग्लैंड के बाएं हाथ के स्पिनर टॉम हार्टली 14 विकेट के साथ दूसरे पायदान पर हैं। 4 पारियों में 8 विकेट लेकर आर अश्विन तीसरे पायदान पर रहे। चौथे नंबर पर मौजूद इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद ने 8 विकेट लिए। इसके बाद जेम्स एंडरसन, जो रूट, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने 5-5 विकेट अपने नाम किए। 4-4 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव और बशीर 10वें पायदान पर रहे।